नए इशू की अफगानिस्तान स्मगलिंग। स्मगलरों के लिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें ईद उल अज़हा के दिनों में इनके वारे नियारे हो जाएं। पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान में मवेशियों की स्मगलिंग का सिलसिला तखाल नहीं रोका जा सका है। पेशावर से जानवर खैब एजेंसी मुंतकिल किए जाते हैं, जहां पहाड़ी रास्तों से उन्हें अफगानिस्तान पहुंचाया जाता है। मवेशियों की स्मगलिंग का सबसे बड़ा नुकसान शहरियों को पहुंच रहा है, जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जानवरों की कीमत ही इतनी ज्यादा है कि सुनते ही दिन में भी तारे नजर आ जाएं। कीमत में इजाफा बहुत हुआ है, खरीदने से बिल्कुल कासिर है, कारोबार छोड़ने के लिए तैयार है। दो जानवर खरीदे हैं लेकिन खफा हूँ, 5,000 रुपए महंगे लिए हैं। कौन कहता है कि जानवर सस्ते हैं? पंजाब से जानवर लाने वाले व्यापारी भी सूरत-ए-हाल से परेशान हैं, जिनका कहना है कि मवेशियों की अफगानिस्तान स्मगलिंग कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा सबब है। भी गाड़ी लोड करते हैं अफगानी, इधर से जाते हैं डंगर, बड़ा मार्केट है ये। अफगानिस्तान भी जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं यहाँ से। कौन महंगा बेचेगा, सस्ता बेचते, कोई लेने वाला नहीं है तो कौन लाएगा। ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी जानवरों की नकल हरकत रुकने के हवाले से ताहाल कोई इकदाम सामने नहीं आए हैं। कैमरामैन नासर नईम के साथ मसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।